एक छोटे से बच्चे के साथ बिना लाइट के 2 मिनट भी नहीं रहा जाता है, क्योंकि ये तो बिना फैन के रह ही नहीं पाता है, और यहाँ लाइट गई हुई थी 2 से 3 घंटे के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो वैसे दिन तो आज का बहुत सुहाना था, बहुत अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, लेकिन आजकल जो है ना, पता नहीं क्या ही हो गया है, लाइट इतनी कट करने लगे हैं। और मेरे घर के सामने में ही एक ट्रांसफार्मर है, उसी में ही बार बार कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं, और सुबह के टाइम में इतने काम होते हैं क्या ही बताऊं। मतलब घर समेटो, घर के साफ सफाई करनी होती है, मेनली किचन का काम होता है जो बिना लाइट के हो नहीं पाती है, कुछ ना कुछ पीसना रहता है। दक्षित को तो मैंने जैसे तैसे, मतलब जब तक लाइट नहीं थी तब तक निकाल ही दिया, हाथ से फैन करके, हवा करके, और बाहर दरवाजे के पास उसको लिटा के रख दिया था। मतलब खिड़की खोल के रखनी पड़ती है ताकि हवा आती रहे। तो मैं किचन का काम कर ही रही थी, कुकिंग लंच के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तभी मैंने देखा कि ट्रांसफार्मर के पास जो बंदा था वो उतर रहा था और लाइट आ गई थी। ये करीब 2 ढाई बज रहे थे आई थिंक, और उनकी खुशी देखिए, इतने खुश हो जाता है ना ये फैन चलता हुआ जब देखता है। तो जैसे ही लाइट आई 2 ढाई बजे के करीब, तभी जाके मेरा बेटा सोया है, और उसको सोते हुए देख मैं नहाकर आ गई थी। मतलब ये फैन जब सोता है ना, तो उसको ऊपर फैन चलते हुए दिखना चाहिए, हंसते हंसते सो जाता है, और अगर फैन नहीं है या लाइट चली गई तो तभी की तभी इसकी आंखें खुल जाती हैं। तो ये सो रहा था तो उसी के पास बैठ के मैं खाना खा रही थी, क्योंकि फिर ये कब उठ जाए पता नहीं। और फिर उसके बाद में मैंने सोचा आज मैं नहीं सोती हूँ, आज मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि ये सो रहा था, वैसे मौका मिलता नहीं है, और शायद मेहंदी लगा के तो जमाने ही हो गए हैं। तो मैं बैठे बैठे मेहंदी लगा रही थी। इट इज जस्ट दैट कि थोड़ा मन हो रहा था, ऐसा कोई फंक्शन या कुछ ऐसा था नहीं, बस लगा रही थी, मुझे मन हुआ इसीलिए। आई रिमेम्बर बिफोर मैरिज, मतलब बहुत मेहंदी लगाया करती थी मैं, ऐसा था ना कि एक बार हाथ से मेहंदी छूटा तो फिर दूसरा लगा लिया, मतलब जब भी घर पे थी तो इतना लगाया करती थी, और मुझे पसंद भी बहुत था, तो बस ऐसे ही चलता था। बट आफ्टर मैरिज ये थोड़ा कम हुआ, और आफ्टर बेबी तो ये बंद ही हो गया। काफ़ी देर तक मेरा बाबू सोता ही रहा, उसके बाद इसकी भी आंखें खुल गई और सोना नहीं चाहता था। फिर ये शाम के 4 बजे थे आई थिंक, तो मैं उसको गोद में लेके बाहर निकल गई, वॉक कर रही थी, क्योंकि इसको बाहर रहना बहुत अच्छा लगता है, बाहर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, तो हम दोनों वॉकिंग कर रहे थे। और आजकल ये बिजली वालों को क्या ही हो गया है पता नहीं, हर सैटरडे, एवरी सैटरडे कुछ ना कुछ इनका काम रहता है, तो बस उसमें लगे रहते हैं, लाइट काट देते हैं। आज तो फिर भी 2 बजे आ गई थी, बाकी के दिन बहुत लंबा काटते हैं, तो शाम हो जाती है तो मैं ना पूजा कर लेती हूँ, हस्बैंड और मैं दोनों ही पूजा कर लेते हैं। इसके बाद में मैंने आज बनाया था रात में डोसा, जिस दिन कुछ लाइट खाने का मूड हो ना उस दिन मैं रात में डोसा बना दिया करती हूँ। तो घर में ही मैं डोसे का बैटर वगैरह प्रिपेयर कर लिया करती हूँ, बाहर से नहीं लेती हूँ, बहुत रेयरली मैं अगर बाहर से ली तो कभी लेती हूँ, अदरवाइज मोस्टली घर पे ही बनता है, और घर का ही हम खाते हैं। बाहर से डोसा हम दोनों को ही नहीं पसंद, और हस्बैंड को तो बाहर की चटनी और ये सांबर वगैरह भी वो पसंद नहीं करते हैं, घर का ही पसंद करते हैं, तो मैं अक्सर घर पे ही बनाती हूँ। सो दिस इज हाउ द डे वेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।